ये 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, और ये आपका 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो निकालना है आपको, फाइंड आउट, ये पॉइंट आप मान लीजिए ओ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ या फिर टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हो गया, और फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ एट t इक्वल टू 1 सेक। क्या निकालना है, टॉर्क ऑफ एम जी निकालना है कब, t इक्वल टू 1 सेकंड पर, और दूसरा है टॉर्क निकालना है mg का अबाउट o व्हेन पार्टिकल इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं देखूं कि ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल मान लीजिए करेगा, ठीक है, तो मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहीं यहां पे है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहीं यहां पे है, और कुछ ऐसे ये जा रहा होगा, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो mg इधर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और इस पॉइंट मास का हम कहें कि मास दे रखा है आपको 2 kg, ठीक है, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं बात करूं r वेक्टर की, तो r वेक्टर मैं ऐसे बनाऊंगा, इसके दो तरीके हैं करने को, ये r वेक्टर निकालो, mg पता है आपको, फिर आप क्या करो, ये r वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी और ये एंगल निकालो, या फिर दूसरा आसान तरीका हमको पता है कि r वेक्टर का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, जो कि किसके, लाइन ऑफ फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर r वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लो, तो टॉर्क अपने आप आ जाएगा, तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट o विल बी इक्वल टू r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय mg, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू फाइंड द r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर तो सिंपल है, ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ux into t, और ux कितना है यहां पे, 20 cos 53 मल्टीप्लाई बाय टी कितना, 1 सेकंड में, तो देखो 20 cos 53 इज 3/5, तो इट इज 12 मीटर, तो कितना हो गया आपका 12 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं कि r परपेंडिकुलर जो आपका आ गया वो आ गया 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10, क्योंकि 2 मास दे रखा है, तो ये हो गया आपका 240 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है, टॉर्क कितना 240 न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो पार्टिकल कहीं इधर जा रहा होगा, बट mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अब r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये r परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये r परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो r परपेंडिकुलर डैश की वैल्यू कितनी होगी बोलो, वो होगी कैपिटल r बाय 2। कैपिटल r क्या, रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमें पता है कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तभी जो r परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, रेंज का आधा। तो रेंज क्या होगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ठीक है ना। तो बस फिर क्या हो जाएगा, हम कहें कि अगर टॉर्क मुझे लिखना है ऑफ mg अबाउट o, तो इस केस में हो जाएगा r परपेंडिकुलर का डैश मल्टीप्लाई बाय mg, और r परपेंडिकुलर का डैश क्या है, r बाय 2, यहां पे 2 का भी डिवाइड करना आपको पड़ेगा, तो हम यहां से कह सकते हैं u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, क्योंकि एक 2 भी आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो r परपेंडिकुलर आ गया u स्क्वायर कितना 20 स्क्वायर sin थीटा sin 53, sin 53 कितना 4/5, और cos 53 कितना 3/5, और अपॉन g, g कितना 10, तो ये हो गया आपका r परपेंडिकुलर, और 2 into 10, 10 से 10 गया,
और ये आपका यहाँ से कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, लिखिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है ना। टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करेंगे, हमने टॉर्क अबाउट पॉइंट की बात कर ली है, ठीक है ना। सो नाउ द डेफिनेशन, पहले एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ जिसका मतलब आपको समझ में आएगा कि इसके मैं कुछ केसेस करा दूंगा आपको, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, ठीक है ना, जिसमें आपको एकदम से अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो टॉक अबाउट एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो टॉक अबाउट एक्सिस ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होंगी वो क्या होंगी कि किसी भी एक्सिस के अराउंड क्या होंगी, रोटेट करेंगी, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर अलोंग द एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F अलोंग द एक्सिस। ये जो टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F अलोंग द एक्सिस। ये क्यों है उसका रीजन पता लगेगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो R क्रॉस F क्या था, हमारा टॉर्क था, ठीक है ना। R क्रॉस F किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमने क्या पढ़ा था, R क्रॉस F। और हम यहाँ कह रहे हैं कि टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F अलोंग द एक्सिस, इज द कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F, मतलब इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। सो नाउ सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये कहें कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, एक्सिस है उसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पे मान लीजिए आपने कहीं ऐसे फोर्स लगाया कि कहीं मैं कहूँ ऐसे फोर्स लगा दिया, इसमें कैसे लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया आपने अंदर की तरफ, ये एक्सिस है जिसके अराउंड ऐसे ये रोटेट कर सकता। तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आपको अगर R वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, R वेक्टर। तो R वेक्टर में आपको बता दूं क्या होता है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर, R वेक्टर इज द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, R वेक्टर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड ये कहां से भी पास करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी पास करता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए R वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। So, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसके हम केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर करेंगे, जिसमें अपन को अच्छे से चमकेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होगा टॉर्क, ठीक है। तो इसके केस वन में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके केस वन में हम पढ़ेंगे। तो केस वन में क्या पढ़ेंगे, कि मान लीजिए केस वन में यह है कि मान लीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अराउंड क्या है, रोटेट कर सकती है, ठीक है। घर का दरवाजा होता है ना, गेट, ये गेट मान लीजिए, क्या है, गेट है, और ये गेट की क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, गेट ऐसे हिंज्ड होता है, ठीक है ना, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड क्या ये घूम सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये गेट है, ये मान लीजिए गेट, और ये गेट किसके अराउंड घूम रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गेट है, बात समझ आ रही है। अब मैं इसमें आपको ये कह रहा हूं कि मान लीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर मैं फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लगाऊं तो क्या ये घूमेगा, मतलब अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं,
इस मार्कर की ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाता हूँ, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, तो क्या ये गेट ऐसे घूमेगा? नहीं घूमेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आप फोर्स, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स आप ऐसे लगाते हो, ठीक है ना, और ये इसका आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इफ फोर्स इज पर पैरेलल टू द फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन वी कैन से द टॉर्क अबाउट द एक्सिस विल बी जीरो। समझे? यहां पर दो तीन तरीके से समझेंगे यहाँ पे। ये तो हमने यहाँ से समझ लिया प्रैक्टिकली कि अगर दरवाजे के, दरवाजे पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स मान लीजिए दरवाजा लगा हुआ है, तो दरवाजे को, दरवाजे पर जो फोर्स लगा रहे हो वो पैरेलल, वो क्या है, किसके अलोंग लगा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप फील कर सकते हो कि दरवाजा क्या है, घूमेगा नहीं, ठीक है, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने ऐसे फोर्स लगा दिया तो ये आर वेक्टर और ये क्या है, ये R वेक्टर और F वेक्टर में एंगल कितना 90, और अगर आपने टॉर्क वेक्टर निकाला तो टॉर्क वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, तो अगर लिखोगे तो R F साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो R कितना है, मान लीजिए ये R दे रखा है इसका वैल्यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड R वेक्टर मोड ऑफ R वेक्टर जो कि R दे रखा है, ठीक है, और फोर्स F दे रखा है, साइन 90 कितना हो गया 1, तो यहां पे जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, आर इंटू एफ, लेकिन फिर भी टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, जीरो। उसका रीजन है कि अगर देखा जाए टॉर्क किधर है, इसकी डायरेक्शन देखी जाए इस टॉर्क की किधर है, तो देखो आर इधर, क्रॉस एफ ये डायरेक्शन इधर है आपकी तरफ, मतलब इसकी डायरेक्शन को अगर मैं टॉर्क की को बताना चाहूंगा तो किधर है, बाहर की तरफ, किधर है, बाहर की तरफ, मैंने पॉइंट लगा के आपको बता दिया, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारी जो डेफिनेशन थी एक्सिस की अबाउट टॉर्क निकालने की वो क्या थी, द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही क्या होगा, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, ठीक है ना। तो इस फोर्स का टॉर्क अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस फोर्स से जो आर क्रॉस एफ आता है उसका वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, बट यहां पे अगर देखा हमने कि सारा का सारा आर क्रॉस एफ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो वी कैन से देयर इज नो कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो। समझ आ रही है? तो केस वन में क्या है कि इफ फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन वी कैन से टॉर्क अबाउट एक्सिस विल बी जीरो। यहां पे देख सकते हैं ये आर क्रॉस एफ की वैल्यू आ रही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहां पे जो आर क्रॉस एफ का जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है ना। और ऐसे आप खुद भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने ये ले लिया, ये दरवाजा ले लिया, तो इस दरवाजे पर आप नीचे की तरफ इसे मान लीजिए ऐसे खींचोगे तो क्या ये घूमेगा ऐसे, नहीं, मतलब अगर आपको, आप इस पे ऐसे फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ, देखो मार्कर की डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे ये अपना पहला केस हो गया टॉर्क जीरो होने का, ठीक है। दूसरा केस पढ़ते हैं, पर मान लीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वही दरवाजा है जो आपका दरवाजा घर पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हो, मान लीजिए आपने फोर्स ऐसे लगाया, इस दरवाजे पे फोर्स ऐसे लगाया, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स इस पॉइंट पे लगाया आपने,
दरवाजे के इस पॉइंट को पकड़ के आप इधर खींच रहे, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किससे पास कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मतलब अगर कहें कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन ऑल्सो वी कैन से दैट टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज जीरो। समझ आ रही है? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन ऑल्सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस विल बी जीरो। आप खुद ही देखो, प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि मान लीजिए ये है, ये दरवाजा है आपका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया, मान लीजिए यहाँ दरवाजे को पकड़ा आपने और फोर्स ऐसे लगा रहे हो, मतलब मान लीजिए आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ये देखो मार्कर की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दरवाजे के प्लेन में है, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, देख पा रहे हो? तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बोलो? हम ये कहेंगे कि देखो बताइए दरवाजा घूम पा रहा है क्या? आप खुद ही दरवाजे पे आप फोर्स ऐसे लगाइए जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किस में हो, इन द प्लेन ऑफ, या फिर जो फोर्स ऑफ, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किस में हो, कहाँ पे, कहाँ से पास कर रही हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप इसको घुमा नहीं सकते हो, आप इसको घुमा नहीं सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि टॉर्क आ रहा है, इसका मतलब घूम रहा है, टॉर्क आ रहा है तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो रोटेट होगा। दूसरे शब्दों में अगर देखना चाहें तो देखो, देख सकते हैं कि देखिए ये क्या हो जाएगा अपना आर वेक्टर, ठीक है ना? अगर देखा जाए तो आर वेक्टर इधर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और फोर्स इधर है। तो आप खुद ही सोचिए फोर्स किधर है, इधर, ये फोर्स है और ये आर वेक्टर है। तो आर क्रॉस एफ आप करोगे तो क्या होगा, आर क्रॉस एफ इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में भी आर क्रॉस एफ क्या है, आर क्रॉस एफ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस विल बी जीरो, क्योंकि आर क्रॉस एफ क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो देयर इज नो, कहेंगे कि देयर इज नो कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है इसका जो कि किसके पैरेलल हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगर ऐसा होता तो क्या आता, टॉर्क आता। समझ आ रही है? तुम्हारी डेफिनेशन से भी यहाँ पे प्रूव हो गया कि यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या था कि आर क्रॉस एफ का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है विल गिव द टॉर्क। समझ आ रही है अबाउट दिस एक्सिस? तो यहाँ पे केस टू ये हो गया। थर्ड केस, थर्ड केस इज मान लीजिए ये आपका क्या है, वही आपका दरवाजा, ठीक है ना, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें ऐसे रोटेट कर सकती है। आप ऐसा करिए, मान लीजिए ऊपर से ऐसे आपने देखा, ऐसे आप देख रहे हो ऊपर से, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको ये दरवाजा ऐसे दिखेगा और ये क्या दिखेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखेगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अगर आप ऊपर से देखोगे इस दरवाजे को तो आपको कैसे दिखेगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, जिसके अबाउट कैसे रोटेट कर सकता है ये, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर सकता है या फिर ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है ये दरवाजा, ठीक है? ये क्या हिंज भी बोलते हैं इसको, दिस इज एक्सिस। समझ आ रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस डोर या दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो अगर इसमें आपने फोर्स ऐसे लगाया, मान लीजिए कि आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है, और फोर्स ऐसे लगाने के बाद आपने क्या किया कि अगर अब आप टॉर्क निकालना चाहते हो, अब आप क्या निकालना चाहते हो, टॉर्क निकालना चाहते हो, या फिर मैं कहूं कि इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे देखिए सबसे पहले तो ये आर, मान लीजिए ये आर वेक्टर है, ठीक है ना, तो आप खुद ही देखिए कि ये आर वेक्टर है बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो आर वेक्टर हमने लिया है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए आपने यहां पे ऐसे लगाया, ऐसे फोर्स आपने लगाया, मान लीजिए यहां पे आपने ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाया एफ, ये वाला फोर्स ऐसे, अगर यहां पे देखना चाहूं मैं इस व्यू में, तो ऐसे लगाया आपने, ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे, और इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया बेसिकली आर परपेंडिकुलर, जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ आ रही है? तो इस केस में अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखूंगा बताइए, हम सीधा लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा है, और जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर इन दिस केस क्या है, वो इन दिस केस हम कह सकते हैं ये जो 90 है, ठीक है ना, और ये आर वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है बोलो, आर क्रॉस जो एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, पूरा का पूरा आर क्रॉस एफ यहाँ पे अलोंग द एक्सिस आ रहा है, पूरा का पूरा आर क्रॉस एफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलोंग द एक्सिस, और मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आ रही है? यहाँ पे जो आर क्रॉस एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आर क्रॉस एफ ऐसे आ रहा है, तो मतलब टॉर्क क्या, आर क्रॉस एफ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड विच इज आर परपेंडिकुलर टू द एफ, ठीक है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर ऐसा है, कैसा है, कि इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा सिस्टम दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कि जो टॉर्क होगा अबाउट दिस एक्सिस विच विल बी आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ। और ये सोच भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि दरवाजे पर अगर आप फोर्स लगाओगे, मतलब ये मान लीजिए ये वही दरवाजा, ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना, तो अगर इस पर मान लीजिए ऐसे आपने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, तो ऐसे घूमेगा। समझ आ रही है? ऐसे घूमेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आर क्रॉस एफ जो आ रहा है वो क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे टॉर्क मिल गया, यहाँ पे टॉर्क क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं। दूसरा केस एक और समझने की कोशिश करें, इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं उस केस को भी, वो क्या है, मान लीजिए कि जो फोर्स ऐसे ना लगते हुए, वो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, और यहां से थीटा एंगल पर ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पर, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, वो होंगे एक तो हम कह सकते हैं ये वाला कंपोनेंट एफ पैरेलल, समझ आ रही है, ये दरवाजे के पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लो, या फिर एक ये वाला कंपोनेंट मान लीजिए, इसको मैंने एफ परपेंडिकुलर कह दिया। समझ आ रही है? तो आप खुद ही सोचिए कि एफ पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है बोलो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, जीरो। टॉर्क ओनली किसकी वजह से आएगा, इस कंपोनेंट की वजह से आएगा। समझ आ रही है? तो हम यहां पे जो टॉर्क लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहां पे हम कहेंगे कि जो आर वेक्टर है वो क्या है, वो तो बेसिकली क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, अभी भी यही रहेगी आर वेक्टर की वैल्यू, तो समझ आ रही है, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, एंड जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, समझ, उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क लिखूंगा मैं, तो टॉर्क यहाँ पे क्या लिखूंगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बोलो, यहाँ पे लिखूंगा आर परपेंडिकुलर और एफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस एफ परपेंडिकुलर और मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो कि ये वाला कंपोनेंट है, क्योंकि इसी की वजह से क्या आएगा, बेसिकली टॉर्क आएगा, और इसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट लाइन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रही है,
बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कि हम ये समझ सकते हैं, वो क्या समझ सकते हैं कि ऐसे हम टॉर्क अबाउट एक्सिस निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखिए, मैं आपको दो स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ और आपको बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है ना। मान लीजिए फर्स्ट इज कि इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी एफ नेट ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो, क्या है, इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से देन टॉर्क नेट विल बी जीरो। मतलब नेट, अगर नेट फोर्स जीरो है किसी भी बॉडी पे, तो टॉर्क नेट भी जीरो होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको बताना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ टॉर्क नेट ऑन एनी बॉडी इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से एफ नेट इक्वल टू जीरो। तो दोनों को बताइए कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताइए कौन सा है, बताइए। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एफ नेट नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इक्वल टू जीरो, तो देन वी कैन से टॉर्क नेट विल बी जीरो, क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से नेट फोर्स विल बी जीरो, ये ट्रू है या फॉल्स है, आप सोच के बताओ। तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल एग्जाम्पल से बता देता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, हम ज़्यादा कुछ लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे F मैंने ऐसे लगाया और F ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने 2F ऐसे लगा दिया और F ऐसे लगा दिया, ये बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास, समझ आ रही है सबको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, F नेट क्या है, F नेट है क्या, F नेट है 2F माइनस F, और ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दोनों फोर्स पास कर रहे हैं। आप बताइए, खुद ही सिंपली बताइए, क्या ये घूमेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और यहाँ पे टॉर्क नेट बताइए, टॉर्क नेट क्या है इस पर्टिकुलर केस में, टॉर्क नेट क्या है, जीरो, टॉर्क नेट जीरो है, क्यों, क्योंकि ये घूमेगा थोड़ा ही। आप खुद सोचिए, ये मान लीजिए मार्कर है, इसमें मैंने इधर फोर्स लगाया एफ और इधर 2F लगाया, तो ये ऐसे जाता जाएगा, देखो इधर F लगाया इधर 2F, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये बताइए मुझे कि इस पर नेट फोर्स जीरो था, समझ आ रही है, नेट फोर्स जीरो नहीं था, क्या ये घूम रहा था, तो घूम भी नहीं रहा था, तो हम कह सकते हैं कि नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो कह सकते हैं। तो नेट टॉर्क जीरो होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि F नेट विल बी जीरो, मतलब नॉट नेट टॉर्क जीरो होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एफ नेट भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज एफ नेट, इफ नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। या दूसरा केस हम देखें, मान लीजिए ये रॉड है, इस पर मान लीजिए फोर्स एफ ऐसे और एक एफ ऐसे, तो मुझे बताइए कि एफ नेट क्या है, एफ ऐसे और एफ ऐसे, तो एफ नेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या है, नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो। क्लियर दिख रहा है आप, क्या टॉर्क नेट जीरो है, बोलो, नहीं, यहां पर टॉर्क नेट जीरो नहीं है। कैसे, कि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के अराउंड, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, मान लो जो ये ओ है, ठीक है, ये एल मान लीजिए और ये एल मान लीजिए, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, बताइए इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा। हम कह सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इस फोर्स एफ का, तो हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी एल, ये एफ है और इन दोनों के बीच में आर और एफ के बीच में एंगल कितना है 90, तो हम ये कह सकते हैं टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विल बी, बोलो, एफ इंटू एल साइन 90, ठीक है, तो एफ एल हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर है, बोलो, हमने बताया था कि डायरेक्शन कभी भी निकालना है आपको टॉर्क की, तो दो तरीके हैं, एक तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन निकाल लो, एक फोर्स की लाइन में क्या रखिए, उंगलियां रखिए, और जो पॉइंट है
या फिर जो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसको क्या है शॉर्ट रास्ते से क्या है घेर लीजिए, ठीक है ना। जो रास्ता क्या है शॉर्ट है मतलब छोटे रास्ते से क्या है घेर लो, छोटे रास्ते से क्या है कवर कर लो ऐसे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 4 13 और इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो छोटा रास्ता रास्ता कौन सा है ये वाला, तो इसके अराउंड क्या करो ऐसे कर लो। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या है अंदर की तरफ, ठीक है ना, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ। या फिर आर आर ऊपर की तरफ है, क्रॉस एफ करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा अंदर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क है वो क्या है अंदर की तरफ। ऐसे इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या है बोलो, देखो एफ इधर है वही अपनी आर है, तो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ ही आएगा और सेम मैग्नीट्यूड आएगा एफ इंटू एल। तो यहाँ पे नेट टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क है ये भी अंदर की तरफ ये भी अंदर की तरफ, तो 2F है, ठीक है ना। नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या है 2FL। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो तो हम कह सकते हैं दैट डज नॉट इम्प्लाई कि टॉर्क नेट इक्वल टू जीरो, समझ आ रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे। लेकिन इनमें कुछ रिलेशन है, मैं बताता हूँ वो क्या रिलेशन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो, आप सोचोगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लिखिए